हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्थ फ्रॉम ब्रेनडस्ट। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो मैथ्स टू का प्रिपरेशन है वो 4 दिन के अंदर हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। 4 दिन के अंदर पूरा मैथ्स टू क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो जिनको पास होना है सिर्फ, जिनको मीडियम मार्क्स स्कोर करना है और जिनको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, सबके लिए यही एक वीडियो आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग के ब्रेन टेस्ट टीम ने एनालिसिस करके 13 से 14 टॉपिक्स, या मतलब सब टॉपिक्स या क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, आइडेंटिफाई किए जो हमेशा हर पेपर में आते ही आते हैं मेनली। तो ये जो ट्रेंड है, ये पिछले सब पेपर्स के जो भी रहेगा, हम लोग ने वो सब अकाउंट में लेके ही आपके लिए ये रेडी किया है प्लान, ठीक है। तो अब कैसा है कि जिनको 32 मार्क्स लाना है ना, उनके लिए मैं एक अभी बता देता हूँ कि आपको जो मैंने फर्स्ट 3 डेज के लिए लिखा है ना, उस पे फोकस करना है, ठीक है। तो कैसा होता है देखो, अभी फर्स्ट फर्स्ट डे के लिए आपको ये दो टॉपिक्स करना है। तो ये जो आरके मेथड है उसके ऊपर 8 मार्क का सम आता ही आता है। फिर जो ये सिम्पसन्स थ्री एथ रूल जो भी है इधर मैंने लिखा है, वो भी 8 मार्क्स के लिए आता ही है। तो फर्स्ट डे पे आपको ये दो टॉपिक्स एकदम अच्छी तरीके से करना है, मतलब टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से समझना है। फिर उसके 5-6 सम्स प्रैक्टिस करने हैं जो 5 पेपर्स में आए हैं, आपको हर वैरायटी ऑफ सम्स कवर करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में कोई भी आरके मेथड या इसका जो भी सम्स आएगा, आप श्योर रहोगे कि वो आप अटेम्प्ट कर ही सको। फिर डे टू पे क्या है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये दो चीज पे आप फोकस करो। और डे थ्री पे बीटा गामा, टेलर सीरीज और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जो 7 टॉपिक्स है ना, ये 7 टॉपिक्स अगर आप कर लोगे ना, तो आपको आराम से 32 मार्क्स आ जाएगा। पर इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आप ऐसे प्रिपरेशन करो कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए ये 7 टॉपिक्स में से, तो आप अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। ये जो मैंने 7 टॉपिक्स लिखे हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली 38 मार्क्स आपका कवर करता है। और आप सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब कैसे कि कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे और बाकी बाकी जो भी क्वेश्चंस रह गए, वो जो 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं ना बाकी के 5 क्वेश्चंस में से, उसमें किधर ना किधर आ ही जाएंगे। तो आप अप्रोक्सीमेटली 38 से लेके 32 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। पर अब इसमें एक रिस्क है कि अगर एमयू का कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रहता कि ऐसे ही पूछे गए या फिर यही ऑर्डर में पूछे गए, तो उससे अच्छा है कि आप अगर ये फर्स्ट 3 डेज में इतना कर लोगे ना, तो आप डे 4 के लिए भी, मैंने इधर थोड़े टॉपिक्स रखे हैं, तो आप ये भी कवर करने का ट्राई कर लो। तो इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस कुछ पैटर्न चेंज हो गया एमयू क्वेश्चन पेपर का, कुछ भी हो गया, तो आप एटलीस्ट सिक्योर रहोगे कि आपके 32 मार्क्स तो आने ही वाले हैं। तो आपको ये 10 टॉपिक्स करना है, मतलब डे 4 पे जो है, जो एग्जैक्ट फॉर्म वाला है, फिर फर्स्ट डिग्री है, कॉशी है, ये सब जो भी है ये आप कर लो डे 4 पे अच्छी तरीके से। तो दिन में 3 टॉपिक अच्छे से करना, मतलब क्या, अगर एक टॉपिक को आप 1 आवर भी दोगे, 1 2 आवर, तो 4-5 आवर्स में आपका डे 1 का जो शेड्यूल है वो खत्म हो जाएगा और आप कोई दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेन चीज क्या है कि आप जो भी करोगे ना, एकदम अच्छे तरीके से करना, और ये जो प्लान है ना, इसके अकॉर्डिंग ही करना, तो आपका 4 दिन में मैथ्स क्लियर हो जाएगा। मतलब सिर्फ 32 मार्क्स लाने रह गए, जो भी रहेगा वैसे। अब जो एवरेज मार्क्स लाने जिनको, उनको कंपल्सरीली ये टॉपिक करना ही है, मतलब 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सब टॉपिक्स आप कवर करो ही करो, तो आपको आराम से 40 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन ये सब सब क्वेश्चंस के ना छोड़ो तो, ठीक है। अब जिनको स्कोर करना है, तो अब क्या है, ये 4 डे का प्लान एवरेज और जिनको सिर्फ क्लियर करना है उनके लिए हो गया। अब जिनको 60+ मार्क्स लाना है, तो उनके लिए ये इधर टॉपिक्स रहे, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स, ये जो टॉपिक है ये आप अपने अकॉर्डिंगली ये सब डेज में डाल दो, एक 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 टॉपिक जैसे आपको पसंद आ रहा है। कोई टॉपिक नहीं पसंद आ रहा, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको वो स्किप करना है, तो आप अपने हिसाब से सिर्फ ये डेज में किधर ना किधर वो टॉपिक्स एडजस्ट कर लोगे ना, तो आपको आराम से 60+ मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो सिर्फ ये 14 टॉपिक्स क्लियर करके, मतलब कवर करके। तो आपको इसमें मेन चीज ध्यान क्या रखनी है कि आप जितना भी पढ़ोगे ना, आप सब टाइप्स कवर कर लो, टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से समझ लो क्या होता है क्या नहीं, तो फिर आपको डेफिनेटली 38 से लेके 32 मार्क्स तो आ ही जाएगा जिनको क्लियर करना है ये डे 3 तक, जिन्होंने पढ़ा उनको। पर रिस्क रिस्क नहीं लेना है तो डे 4 का भी कर लो जिनको सिर्फ क्लियर करना है, और जिनका एवरेज मार्क्स लाना है वो सिर्फ डे 4 तक कर सकते हैं जितना दिया हुआ है, और अगर आपके पास टाइम बचा तो ये टॉपिक्स में से कुछ कर लेना। पर अगर जिन्होंने ये 14 के 14 टॉपिक्स किए एकदम अच्छी तरीके से,
उनको 60+ मार्क्स आना डेफिनेटली श्योर ही श्योर है, ठीक है। अब अगर किन यूजर्स को डिफिकल्टी होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स कैसे कवर करने हैं, ये तो हमारा ब्रेन टस्ट का स्मार्ट प्लान है, उसके अंदर हर वेराइटी के हर डिफरेंट फॉर्म्स के क्वेश्चन हम लोग ने बना के रखे, तो आप वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको देखना है तो आप प्लीज एक बार देख लेना कि स्मार्ट प्लान आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो स्मार्ट यूजर्स नहीं है उनके लिए ये एकदम अच्छी तरीके से मैंने इधर प्लान करके रखा है कि आप 4 दिन में मैथ्स कैसे कवर कर सकते हो। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, तो उनकी भी मैथ्स की क्लियरिटी क्लियर हो सकती है, ठीक है। और आगे भी वीडियोस आने वाले हैं, जैसे जैसे आपके एग्जाम्स के डेट्स नजदीक आएंगे, जैसे M1 है, फिर बाकी सब जो भी आपके टाइम टेबल के हिसाब से रहेगा, तो हम बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी 4-day प्लान, फिर हाउ टू क्लियर दैट सब्जेक्ट, उनके वीडियोज लाएंगे। तो प्लीज लाइक कर दो और कुछ कमेंट कर दो अगर आपको कोई डाउट्स है, मैथ्स में कुछ हेल्प चाहिए या नहीं, और प्लीज सब्सक्राइब करके रख दो, तो आपको आगे आने वाले सब सब्जेक्ट्स का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।